पहला प्रणाम का आप लोग उम्मीद करने आप सब ठीक ठाक होने लगा। मैं बिल्कुल ठीक छू और स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से अपने एक नई ब्लॉग में। तो आज हमारे धान कटाई हो रही है, तो धान कटाई हमारे वहाँ कंबाइन से होती है, जो मतलब जिनकी कम कम खेती होती है तो वो लोग तो हाथ से लेबर से कटवा लेते हैं, तो जिनकी मतलब हम लोग की ज़्यादा खेती तो हम कंबाइन से ही कटवाते हैं। तो आज धान कटाई के लिए कंबाइन आई है और ये है कि ज़्यादा खेती में होता है ना, बहुत टाइम लग जाता है, कभी मौसम ख़राब हो जाता है तो दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग कंबाइन से कटवा लेते हैं और पराल उठा लेते हैं फिर। और मौसम क्योंकि आज अच्छा हुआ है, धूप आई है, मौसम का कोई भरोसा नहीं कब कैसा हो जाए, परसों एक दिन अचानक से मौसम बदल गया था, तो इसलिए आज हम काट देते हैं धान। और एक धान हमारे बाद में कटेंगे, वो बाद में के धान है, और धान के लिए ये आई है ट्रॉली, इसमें धान रख के सीधा धान मंडी में ले जाएंगे और खाने के लिए हम निकाल लेंगे, और धान को मंडी में ले जाएगा ट्रैक्टर। उधर बैठी है अपनी दोस्त के साथ, हमारे बगल की ताई जी हैं, सासू आई हैं, तो उनके साथ बैठी है उधर। तो यहाँ देखिए इतने धान कट गए, पानी और गए। लगभग आधे धान कट चुके हैं और कंबाइन ना घर पे धान गिराने आई है कि ये धान जो मतलब हम खाने के लिए रखेंगे वो धान है, तो यहाँ पे हमारे लिए गिरा के जाएगी। उसके बाद ये सारे धान जो भी काटेगी ट्रॉली में डाल देगी डायरेक्टली और वो सीधे मंडी ले जाएंगे ट्रॉली को। तो यहाँ पे हमारे खाने के लिए हम इसे सुखाएँगे, अभी 4-5 दिन धूप लगाएंगे क्योंकि कंबाइन का धान ना सूखा नहीं होता है, तो ये कच्चा कच्चा सही रहता है, तो इसे सुखाएँगे हम लोग। कट चुके हैं फाइनली आज धान पूरे, ये देखिए वो जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक हमारा खेत है और वो कट चुके हैं। अब हाल फिलहाल ये पराल है, इसे हम मतलब 3-4 दिन धूप लगाएंगे, 4-5 दिन धूप लगाएंगे, धूप लगाने के बाद फिर उठाएंगे इसे, हम लेबर लगा के मतलब यहाँ पे इसकी ढेरी लगा देंगे हम, तो इसे कुछ दिन बाद उठाएंगे। देखना ये सारे लगमग तोड़ दिए हैं, ये इसमें तुरई भी लगे थे, सब टूट चुके हैं, छोटी छोटी तुरई लगी थी कंबाइन क्योंकि बड़ी है ना, ऊपर से नीचे लग गया होगा तो सब टूट गया। और धान तो देखना, और ये वाला कटेगा बाद में। ये क्या कर रहा है मानसु, यहाँ तो बिल्ली के पीछे क्यों भाग रहा है? बिल्ली मानसु से तेज भाग रही है। कहाँ गई? मानसून नचा दिया है बिल्ली ने, हाँ वो आगे निकल गई। थक गया मानसून, बिल्ली ने नचा दिया। पैन में धान रखे हैं अपने के लिए खाने के लिए, इनको मैं ढक दिया क्योंकि शाम को ना ओस गिरेगी, सुबह इनको सब हटा देंगे फिर सुखाएंगे। तो अभी ना शाम हो गई, धान कट गया है और मैंने सब्जी बना ली है भिंडी की, दिखाती हूँ आपको। और मैंने मतलब किचन का काम निपटा लिया है, अब मैं बना रही हूँ, दिन का चावल बचा है इसका बना रही हूँ बच्चों के लिए फ्राई राइस। तो ये चावल बचा है, अब इसका बनाते हैं फ्राई राइस, इसलिए मैंने थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्ची काटा है। और ये है आलू भिंडी की सब्जी, तो प्राइस फ्राई हो गया है, इसमें डाल देते हैं चावल।
थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मसाला और थोड़ा सा जीरा धनिया का पाउडर, और यह बनेगा और थोड़ा सा सोया। हाँ सॉस मत डालना, जो खाओगे तभी डालना, पापा कहते ना खाए। दही धनिया ऐसे मेरे डालते हैं, अंडा डालते हैं, अंडा एग राइस आलो बातें खत्म तो हो गई है। दौड़ी तो आज हो गई है, बर्फ तो आज खत्म हो गए हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारा फरफरैन वाला फ्राई राइस, फरफरैन वाला पवन पहाड़ी की भाषा में है फरफरैन वाला भात बनाया है फ्राई राइस। अजीज को खाना है, आ जाओ नहीं तो लोग खा लेगा सारा। हमें ले जाने की जरूरत क्या है, तुम्हारे लिए फ्राइज घर पक गया। 40 रुपए फुल प्लेट। नहीं आता ना, ले दो ना।